नीमच में एक दरगाह के पास भगवान हनुमान की एक मूर्ति रखने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल प्रशासन ने नीमच इलाके में धारा 144 लागू लगा दी। नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। विवाद पुरानी कचहरी इलाके में मौजूद दरगाह के पास का बताया जा रहा। पुरानी कचहरी इलाके में करीब 5000 फीट जमीन पर दरगाह है। बताया भी जाता है कि यह जमीन सरकारी है। सोमवार शाम करीब 5 बजे इसी जमीन से लगी जमीन पर कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। इस पर दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। दो समुदायों के बीच बहस हुई और रात करीब 8 बजे के बाद विवाद बढ़ गया। दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए इसके बाद दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दी। एसपी ने बताया कि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 5 थानों के पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही रिजर्व पुलिस फोर्स भी लगाई गई, वज्र वाहन भी तैनात किया गया। तो बात की जाए तो नीमच में दो समुदायों के बीच पथराव हुआ, बहसबाजी हुई और इसके बाद स्थिति तनाव पूर्ण हो गई। ये तस्वीर आपको नीमच की दिखा रहे हैं, रात की तस्वीर है। रात 8 बजे के बाद से दो समुदायों के बीच झड़प हुआ और इसके बाद इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यहाँ पर पूर्व से एक दरगाह है, वहाँ पर एक कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर वत्थर जो हैं छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है। तो ये बात प्रशासनिक अधिकारी की हम आपको सुना रहे थे। पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू पे है, धारा 144 लागू है, लेकिन कई थानों की फोर्स को नीमच में तैनात किया गया है, जिसके वजह से किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़े ना। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देर शाम की है जब स्थिति बेकाबू हो गई थी, दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई और किस तरीके की स्थिति बनी हुई है तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के नीमच में दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जो वजह सामने आ रही है कि दरगाह की ज़मीन पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, जिसके वजह से इस तरह की घटना हुई और आक्रोश पैदा हो गया।